उत्तरायण होता सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहलाती है और पूरे देश में आज मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी जो मकर संक्रांति का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं इसमें मौजूद हूँ संगम के तट पे और यहाँ देख सकते हैं लोगों को आज का दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग आस्था कह सकते हैं वो भारी है, लोग बहुत कम संख्या में निकल गए। नहीं, यहाँ का नज़ारा एकदम रहता था, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ हुआ करती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पे भीड़ बहुत कम है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ पे आदमी खड़े होने के लिए भी नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा ठंड है। लेकिन उसके बाद भी देख लीजिए, चाहे महिलाएँ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, वो सभी यहाँ पे आके पुण्य की जो डुबकी है, आस्था की डुबकी जो कह सकते हैं, वो लगाने के लिए आए हैं। क्योंकि मानता है कि यहाँ पे आज के दिन मकर संक्रांति पर्व के दिन देवी देवता भी इस संगम तट पर उतरते हैं और यहाँ पे आके स्नान करते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तो इसी मान्यता के तहत संगम नगरी के जो रहने वाले लोग हैं या आसपास के जिलों से हैं या देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, इसी के क्रम में यहाँ पे भी देख सकते हैं भीड़ जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे भीड़ जो होगी यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और लोग दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पे आते जाएंगे और पुण्य का जो डुबकी है वो लगाएंगे। लग रहा का गुप्ता नहीं नहीं अब क्यों लगेगा और कुछ।